नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के वीडियो मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल से संबंधित है। जो भी अभ्यर्थी इसका फॉर्म भरे थे उन्होंने इसका एग्जाम भी दिया होगा। आप सब जानते हैं कि जब ये वैकेंसी पिछली बार आई थी तो इसमें 12.5 लाख फॉर्म फिलअप हुए थे और इस बार 8.5 लाख फॉर्म फिलअप हुए हैं, तो इस बार कंपटीशन थोड़ा कम भी है। जो अभ्यर्थी इसका एग्जाम दे चुके हैं उनके दिमाग में एक ही चीज़ चल रही है कि इसका रिजल्ट कब तक आए और मेरा नेम अनाउंस हो अगले चरण के लिए। आप सब जानते हैं कि आपने जब एग्जाम दिया होगा तो आपको वहाँ पर आपके जो नंबर हैं वो कंप्यूटर स्क्रीन पर शो कर दिए होंगे, तो उससे लगभग आपको 70 से 80% तो क्लियर हो चुका होगा कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। लेकिन कह सकते हैं 20 से 30% की द्वंद्व की स्थिति में अभी भी कुछ बच्चे जी रहे हैं कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि आप सब जानते हैं इसमें नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया होती है वो नंबर कम भी करती है और नंबर बढ़ा भी सकती है। खासकर अगर आप एमपी के मूल निवासी हैं तो आप जानते होंगे कि व्यापन का जो नॉर्मलाइजेशन का हाल होता है वो कुछ अलग प्रकार का होता है। कहीं तो नंबर 15 बढ़ा देंगे और कहीं हो सकता है कि 10-12 नंबर कम कर दें, तो इनका नॉर्मलाइजेशन सबसे बेकार प्रकार का होता है। अगर आपके नंबर कम भी हैं तब भी अपने आप को बाहर न समझें, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन व्यापम का कुछ अलग प्रकार का होता है। मैंने इस वीडियो के थ्रू 4 क्वेश्चंस को डीपली डिस्कस किया है। उन 4 क्वेश्चंस में हो सकता है कि आपका भी 1-2 क्वेश्चन सम्मिलित हो जो आप चाहते हैं कि उनका कोई जवाब दे सके। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही होगा कि आपने जो इसका एग्जाम दिया इसका रिजल्ट कब तक आएगा। दूसरा हमारा क्वेश्चन ये है कि इसमें जो हमें फिजिकल के लिए टाइम देंगे कितना देंगे। तीसरा क्वेश्चन हमारा ये है कि ये भर्ती कब तक पूर्ण हो सकती है। और चौथा हमारा मेजर क्वेश्चन रहेगा कि नॉर्मलाइजेशन में किसको फ़ायदा होगा, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी ऐसे हैं जो सोच रहे हैं कि मध्य प्रदेश के जो मूल निवासी हैं उनको नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा फ़ायदा होगा, बाकी अदर स्टेट वालों को इतना फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन इसका जवाब सिर्फ ये नहीं है, इसका जवाब मैं आपको वीडियो के थ्रू पूरा दूंगा। सबसे पहले बात करते हैं कि इसका रिजल्ट कब आएगा। आप सब जानते हैं कि इसके एग्ज़ाम 12 अगस्त से स्टार्ट हुए थे और 12 सितंबर तक इसके एग्ज़ाम होने थे, लेकिन कुछ संस्थानों पर टेक्निकल इशू की वजह से उनकी डेट को डिले किया गया और फाइनली 19 सितंबर को लास्ट डेट कंडक्ट कराई गई। अब होता क्या है कि जब एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाता है उसके 3 से 4 दिन बाद या 5 दिन बाद कह लो कि एक आंसर की जारी होती है, और आंसर की में आप सब देखते हैं कि जो भी क्वेश्चन जिन अभ्यर्थियों को लगता है कि ये क्वेश्चन मैंने सही किया और व्यापम ने इसका आंसर गलत दिया है, तो उनको आपत्ति कार्य करने के लिए लगभग कह सकते हैं 1 हफ्ता का समय और दिया जाता है कि आप अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। तो कह सकते हैं कि सितंबर माह तो आपका पूरा चला जाएगा, इसमें आपको आंसर की देखने को मिल जाएगी, रिजल्ट मिल जाएगा, आंसर की देखने को मिल जाएगी। आंसर की में आप अपने आपत्ति भी दर्ज करा सकते हैं, लेकिन रिजल्ट आपको इस माह में देखने को नहीं मिलेगा। रिजल्ट आपको लगभग 10 अक्टूबर के समथिंग देखने को मिल सकता है। रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद क्या होता है कि फिर आपको टाइम दे दिया जाएगा लगभग 2 से 2.5 महीना फिजिकल का। फिजिकल का टाइम मिलते ही बच्चे जो भी पास हुए हैं वो फिजिकल की तैयारी करने लगते हैं। तो जो अपना दूसरा क्वेश्चन यही है कि फिजिकल के लिए कितना टाइम मिलेगा, तो फिजिकल के लिए आपको 2 महीने तो मिलने ही मिलने हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं कि फिजिकल भी 100 नंबर का है, तो बच्चों को फिजिकल में नंबर अच्छे खासे लाने के लिए थोड़ा बहुत तो समय चाहिए, क्योंकि फिजिकल में भी अच्छे खासे चरण हैं। तो अगर आपने रिटर्न में कम नंबर प्राप्त किए हैं तो आप फिजिकल में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने की कोशिश करें। उसके बाद अपना जो तीसरा क्वेश्चन बनता है कि भर्ती कब तक पूरी हो सकती है। देखिए, कुछ अभ्यर्थियों का कहना ये भी है कि आचार संहिता लग जाएगी तो भर्ती अटक सकती है, ऐसा नहीं है। आचार संहिता भर्ती पर तब कार्य करती है जब भर्ती का नोटिफिकेशन ना निकला हो। नोटिफिकेशन आने के बाद आचार संहिता भर्ती पर कार्य नहीं करती है, यानी कि चुनाव हो या ना हो, अगर नोटिफिकेशन आ गया है तो फिर आपकी भर्ती के चरण चलते रहेंगे और आपकी भर्ती प्रक्रिया भी पूरी होती रहेगी। अगर आपका अक्टूबर में रिजल्ट आता है और कह सकते हैं कि 2 महीना आपका फिजिकल का टाइम मिलता है और फिजिकल चलता है, तो मान के चलिए जनवरी लास्ट तक आपके फिजिकल भी कंप्लीट करा लिए जाएंगे। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और कह सकते हैं मेडिकल वगैरह होते हैं, तो मेरे हिसाब से मई या जून में आपको ज्वाइनिंग मिलने के चांस हैं। और ये भर्ती आपके मिशन मोड के अंतर्गत पूरी कराई जा रही है, तो जाहिर सी बात है कि मई जून में आपको आपकी जो वर्दी का सपना देख रखा है वो मिल ही जाएगी। अगला और लास्ट जो अपना क्वेश्चन है नॉर्मलाइजेशन वाला, इसको अपन डीपली डिस्कस करेंगे, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है व्यापम यानी कि एमपी में कुछ अलग प्रकार से अपनाई जाती है। अभी तक का रिकॉर्ड्स उठा के देखें तो बहुत से अभ्यर्थी ऐसे हुए हैं
जिन्होंने नॉर्मलाइजेशन को देखा है एमपी पुलिस में, और वो अपने आप को फिर देखते हैं कि कहाँ क्वेश्चन वो करके आए थे, 80 नंबर उनके सही बैठ रहे तो लगभग नॉर्मलाइजेशन में उनके 10 नंबर कम हुए हैं, जबकि उनकी गलत अटैम्प्ट की संख्या भी कम थी। तो नॉर्मलाइजेशन दो चीज़ों पर कार्यरत रहता है, एक तो आपने अगर 100 में से कह सकते हैं 70 क्वेश्चन आपने सही किए और 30 क्वेश्चन गलत कर दिए हैं तो फिर नॉर्मलाइजेशन में आपके नंबर बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। अगर आपने 100 में से 70 क्वेश्चन सही किए और लगभग 10 या 8 क्वेश्चन गलत किए तो नॉर्मलाइजेशन में आपके नंबर बढ़ने के चांस हैं। दूसरी बात होती है नॉर्मलाइजेशन में प्रक्रिया में कि जो क्वेश्चन चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से हो, मैथ, इंजीनियर्स, हिंदी, अगर वो क्वेश्चन कठिन है और आपने उसको सही किया है अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में जिन्होंने छोड़ा है या फिर गलत किया और आपने सही किया है, तो नॉर्मलाइजेशन में होता क्या है कि फिर आपके नंबर ज़्यादा बढ़ने के चांस होते हैं। जैसे मान के चलिए कि अगर आपका 100 नंबर का कोई एग्ज़ाम हुआ और आपने देखा कि उसमें 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे थे जो कह सकते हैं चारों पांचों सब्जेक्ट में मिलाकर 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे थे जो बहुत ही टफ थे, जो हर विद्यार्थी के पास उनका उत्तर उपलब्ध नहीं था, और आपने उनको लगभग 15 क्वेश्चन में से 12 क्वेश्चन सही किए हैं, तो सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होगा नॉर्मलाइजेशन का वो आप ही को मिलेगा, क्योंकि आपने उन क्वेश्चंस को हल किया है जो और भी विद्यार्थी नहीं कर पाए। लगभग 10% अभ्यर्थी ही उस क्वेश्चंस का आंसर दे पाए हैं जो कि बहुत टफ थे, तो ऐसे में नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा फिर आपको मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तो सिर्फ आपको ही नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा मिलेगा, वो कहीं से भी बिलोंग करते हों, अगर उन्होंने इस प्रकार के प्रक्रिया को दोहराया है, किया है, तो उनको नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा मिलेगा। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी और वीडियो में दी गए क्वेश्चंस के आंसर आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अब भी अगर आपको कोई लगता है कि आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं, उनका आंसर भी हम आपको वीडियो के थ्रू जरूर देंगे। फिलहाल के लिए दीजिए हमें इजाज़त, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।